गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कहा, सरकारी एजेंसियों के बीच टकराव देश के संघीय ढांचे को करे कमजोर। पश्चिम बंगाल में सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेने के मामले पर कहा, देश में पहले कभी नहीं हुई ऐसी घटना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 3 फरवरी को कोलकाता में सीबीआई टीम के साथ जो हुआ वो लोकतंत्र की है हत्या। प्रदेश विधानसभा के 5 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने विपक्षी दलों के साथ आज की बैठक, सत्र को सुचारू रूप से चलाने का सभी दलों से किया आह्वान। और आज प्रयागराज दिव्य कुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, मैं उदिलशाद और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सदस्यों ने खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। लगातार शोरगुल और हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज जब राज्यसभा की बैठक शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों बाद टीएमसी समेत बाकी विपक्ष ने कल रात राज्य के पुलिस आयुक्त के खिलाफ सीबीआई के विरोध में हंगामा करना शुरू कर दिया। शोरगुल के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन जब दोबारा कामकाज शुरू हुआ तो विपक्ष का वही रवैया फिर से सामने दिखा, लिहाजा सदन का कामकाज दिन भर के लिए रोकना पड़ा। लोकसभा में भी आज कामकाज पर असर पड़ा। यहां पर टीएमसी समेत विपक्ष के बाकी दलों ने सीबीआई का मुद्दा उठाया और नारेबाजी शुरू कर दी। टीएमसी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोरगुल के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल को चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने सदन की बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों के बीच ऐसा टकराव देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा। राजनाथ सिंह ने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि उन्होंने इस मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बातचीत की, स्थिति पर चर्चा की है, लेकिन इस सबके बीच लगातार हो रहे हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए फिर दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदय तैनाती करनी पड़ी है। देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अपितु यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे वह केंद्र सरकार की हो अथवा वह राज्य सरकारों की हो, वो अपना विधिसम्मत कार्य करने से रोका जाए तो इससे घोर अव्यवस्था पैदा होगी और संविधान में उल्लिखित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन भी इससे रुकेगा। और उधर कोलकाता में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे हैं। जावड़ेकर ने पूछा है कि जब टीएमसी के बड़े नेता जेल गए तब उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया। जावड़ेकर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की इमरजेंसी है। लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप शी इज नॉट अलाउइंग द अपोजिशन पार्टीज टू इवन होल्ड मीटिंग्स, has refused permission for Ganatantra Yatra. She has refused permission of landing for the helicopters of Amit Shah, Rajnath Singh, Yogi Adityanath and Smriti Irani. And after the Amit Shah's successful meeting, she arrested the landowner who gave the land for the meeting and also arrested the decorator who created and built the stage for the meeting. This is nothing but emergency. ये कोई emergency से दूसरा कुछ नहीं है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ममता बनर्जी के आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा है कि सीबीआई वही कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने विपक्षी दलों की एकता को भ्रष्टाचार का गठजोड़ बताया। ये जो भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संघीय ढांचा कोलैप्स कर रहा है और राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है, तो पहले उनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा। क्या भ्रष्टाचार की जांच करना पाप है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई अगर बड़ी संख्या में हजारों करोड़ में रोज वैली स्कैम, शारदा स्कैम, जहां छोटे निवेशकों के पैसे लूटे गए, उसकी जांच करना क्या पाप है? द फंडामेंटल क्वेश्चन टुडे इज दैट दिस इज नॉट ए गठबंधन, वी कॉल इट एन अपोजिस्टिक अलायंस, बट टुडे इट इज ऑल्सो इमर्जिंग एज ए कॉलिशन ऑफ द करप्ट टू सेव ईच अदर। और ऐसा करने के क्रम में सारी मर्यादाएं, संवैधानिक मर्यादाएं, शासन की मर्यादाएं, ये सब समाप्त हो गया है। और ऋषि कुमार शुक्ला ने आज सीबीआई में निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति ने मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1983 बैच के मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला को 2 साल के लिए सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष हृदयनाथ दीक्षित ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों से बात की। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर अनुकूल चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। वहीं कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पूर्व आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक लोकभवन में हुई। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी प्रभारी जेपी नड्डा के साथ उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना व अन्य मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ पार्टी विधायक मौजूद रहे। बैठक में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए। इससे पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में पश्चिम बंगाल में सीबीआई अधिकारियों को पुलिस हिरासत में लिए जाने को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र में बदलने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र ने कैद करने का काम किया है। सीबीआई को जांच करने से रोकना पश्चिम बंगाल में, यह निश्चित तौर से संविधान का अपमान है। यह लोकतंत्र को खुलेआम खतरे में डालने की कोशिश है और किसी भी कीमत पर यह न पश्चिम बंगाल की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और जितने भ्रष्टाचार के दोषी हैं, मैं देख रहा हूँ सब समर्थन करने के लिए ममता जी को चले जा रहे हैं, लेकिन आप जाओ, जितना समर्थन करना चाहो करो। सीबीआई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जहां पर भी जांच कर रही वो जांच एजेंसियां जांच का काम करेंगी, उन जांच एजेंसियों में किसी भी कारण से ताले नहीं लगते। आज विधानसभा के तिलक हाल में संसदीय पत्रकारिता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सकारात्मक परिणाम दिया, सकारात्मक सोच से कार्य करने में बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरह की कार्यशाला प्रदेश में पहली बार आयोजित की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि रचनात्मक पत्रकारिता से किसी के जीवन में खुशहाली आ सकती है। विधानसभा अध्यक्ष हृदयनाथ दीक्षित ने भी संसदीय पत्रकारिता पर अपने विचार रखे। संवैधानिक संस्थाओं के सशक्तिकरण में संसदीय पत्रकारिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन उन्होंने यहां पर आयोजित किया है। इससे पहले इस प्रकार की कार्यशाला हुई या नहीं हुई मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज अगर हो रही है तो यह लोकतंत्र के लिए मैं इसे बहुत शुभ मानता हूं। आज सोमवार की अमावस्या है, कुंभ का मुहूर्त भी है,
स्वाभाविक रूप से अमावस्या के दिन के स्नान भी होता है। राजनीतिक जब भारत का संविधान बन रहा था वहां विषय आया था कि इस डेमोक्रेसी को इस जनतंत्र को आम जनता कैसे जाने। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इसे आम जनता समझेगी। विनोद राजनीति काम का प्रशिक्षण हुआ है अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज को जनता को एजुकेट करना था। ऐसा करते भी हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कही गई अपने पक्ष की बात आम जनता सीधे स्वीकार नहीं करती कि यह ठीक ही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के कई पक्ष हैं। और झांसी में मलिन बस्ती के बच्चों सहित भाजपा पदाधिकारियों को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी मूवी का शो दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी इस फिल्म का आनंद लिया। फिल्म देखने के बाद उमा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झांसी की रानी के बलिदान से ही आजादी के आंदोलन में ऊर्जा आई और वही ऊर्जा आज तक कायम है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मणिकर्णिका की सामान्य कहानी नहीं है। उनकी जिंदगी सामान्य नहीं थी। वो असाधारण ऊर्जा और क्षमतावान महिला थी और आज भारत की नारियों को रानी लक्ष्मीबाई जैसे आदर्श की जरूरत है जो किसी से भयभीत नहीं हुई, किसी से डरी नहीं और जिसने देश के लिए अपनी जिम्मेवारी समझी। इसलिए मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को खास करके महिलाओं को आज यहाँ अपनी झांसी के खिलौना टाकीज में सबको अपने साथ मूवी देखने के लिए मणिकर्णिका देखने के लिए आमंत्रित किया है और उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। और इधर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश एनसीसी की टीम की वापसी पर आज राजभवन में उनका सम्मान किया गया। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एनसीसी को 7वां स्थान मिलने पर मेजर जनरल ए के सापरा ने खुशी जताते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में ये उपलब्धि हमारे लिए सराहनीय है लेकिन हमें नंबर एक की पोजिशन हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी और सरस्वती की भूमि का परचम देश में लहराए। का परचम ऊंचा रहना है। इसके लिए हमें संकल्प करना होगा, रणनीति बनानी पड़ेगी और भरपूर परिश्रम करना पड़ेगा। ये हम सब किसान की जिम्मेवारी है कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश निदेशालय सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करे और हरेक कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ने एनसीसी की टीम का राजभवन में स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कैडेट्स का अभिनंदन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में 1,30,000 कैडेट हैं जिनमें 30% छात्राएं हैं। राम नाईक ने दावा किया कि 2025 में भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है कि युवाओं को सही दिशा में ले जाएं जिससे देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने का रास्ता मिले। इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उत्तर प्रदेश में 1,30,000 एनसीसी के कैडेट्स हैं, उसमें से 30% छात्राएं हैं। आज देश की स्थिति ऐसी है कि देश युवाओं का देश बनते जा रहा है और संख्या शास्त्रज्ञों के अनुसार 2025 में भारत में सबसे ज्यादा युवक दुनिया में होंगे और ये सबसे ज्यादा युवक सारे दुनिया में भारत में होना मतलब भारत के लिए यह एक बड़ी पूंजी है, बड़ा एसेट है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों को ताज नगरी आगरा आज भी संवारे हुए हैं। उनकी याद में एतमादुद्दौला स्मारक के निकट गांधी स्मारक भवन बनाया गया है। इस स्थान पर 10 सितंबर 1929 को गांधी जी 11 दिन तक अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए रुके थे। इस दौरान वे यमुना नदी के किनारे स्थित बगीचे में बने एक चबूतरे पर देश भर से आए नेता और स्थानीय लोगों से मुलाकात करते थे। इस गांधी स्मारक में उन्हें सूत काटने वाले चरखे और उनकी घड़ी यादगार के रूप में रखी हुई है। इस स्मारक में गांधी जी के चित्रों की एक प्रदर्शनी भी लगी हुई है जिसे लोग यहां आकर देखते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा इतिहास ये है कि महात्मा गांधी जी वो 1929 में यहाँ आए और 11 दिन रेगुलर रहे जो कि शायद हिंदुस्तान में कहीं भी रेगुलर 11 दिन नहीं रहे।
कुछ लोगों का कहना है और इतिहास भी बताता है कि अस्वस्थ होने के कारण अपने 265 लोगों के साथ यहाँ निवास किया उन्होंने और स्वास्थ्य लाभ किया है। स्मारक ये तो यहाँ के लोगों का और मेरा अपना व्यक्तिगत भी सौभाग्य है कि ऐसी जगह के बिल्कुल बराबर से हम रह रहे हैं। शासन और प्रशासन की इतनी अच्छी वो है कि इसकी देख रेख कर रहे हैं और देख रेख का कारण ये है। मैं तो योगी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें और ध्यान दें तो ये राष्ट्र में पूरे राष्ट्र में क्या पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है। जैसा कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ जब आंदोलन चल रहा था आज़ादी का तो यहाँ गांधी जी अपने 250 समर्थकों के साथ 10 सितंबर 1929 को यहाँ आकर के रुके थे, जो यमुना किनारे बैठ करके और करीबन 11 दिन रुके थे और जो साथी थे उनको सबको रामधुन गाया करते थे, भजन गाया करते थे। वहाँ एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर गांधी जी रामधुन गाया करते थे और भजन गाया करते थे। और बलरामपुर जिले में विश्व कैंसर दिवस पर आज लोगों को कैंसर के कारण एवं उसके बचाव के बारे में बताया जा रहा है। जिले में एक निजी संस्था कैंसर पीड़ित मरीजों का निःशुल्क इलाज कर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर रही। संस्था के डॉक्टर अब्दुल कयूम एवं इनके सहयोगी अब तक कई लोगों को कैंसर के प्रारंभिक अवस्था में इलाज कर जीवनदान दे चुके हैं। जिले में संस्था 2 वर्षों में लगभग 250 मरीजों को चिन्हित कर निःशुल्क सहयोग कर रही है। संस्था के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो लोगों को घर जाकर कैंसर और नशे के प्रति जागरूक करने की मुहिम चलाई हुई है। इस हिसाब से यहाँ पे कैंसर के मरीज एक छोटे से क्षेत्र में मुझे मिल रहे थे, उस हिसाब से लगा कि यहाँ पे कैंसर के मरीजों की संख्या कुछ बहुत ज्यादा हो रही है। और उसका एक कारण जो मुझे लगता था वो ये था कि कोई माउथ के कैंसर ज्यादा हो रहे थे, कि गुटखा पान और ये गुलमंजन ये सब यहाँ पे यूज बहुत ज्यादा करते हैं। हम लोगों ने हमने टीम के साथ विचार करके ये कैंसर फाउंडेशन की स्थापना किया। इसके जरिए हम लोग जो है मरीजों की मदद करने की पूरी करते हैं और जागरूकता के लिए कोशिश करते हैं कि उससे दूर रहें। जो कैंसर के पीड़ित हैं उनको बहुत मदद मिलती है, दवा भी मिलता है, फ्री है, पैसा भी नहीं लिया जाता। और सर कयूम सर जो है वो हमारा भी बहुत मदद किए, शुरू से अंत तक अभी तक भी दवा वगैरह अगर नहीं ला पाते तो यहाँ से हमको फ्री मिल जाता है, हमारा इलाज भी हो गया, हम अच्छे भी हो गए। आज हम लोग पेशेंट का निशुल्क कैंसर का जांच करवाते हैं और अपने सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ओर से पेशेंट के लिए फ्री दवा की मुहैया कराते हैं। जहाँ भी हम लोगों को पता चलता है कि कैंसर के पेशेंट है, हम लोग उनके घर पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, उनको फ्री दवाइयाँ मुहैया करवाते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास ला करके आगे जैसा भी होता है उनको आगे भेज दिया जाता है। बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक को सबको ये शिक्षा देते हैं कि सभी लोग तम्बाकू पान का सेवन बंद करें जिससे कैंसर होता है। क्योंकि कैंसर के अगर प्रथम चरण में ही हम लोगों को पता चल जाता है किसी मरीज का कि उसको कैंसर का लक्षण है तो उसको बायोप्सी के द्वारा और ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग इलाज करवाते हैं और जितनी सुविधा हो सकती है बलरामपुर से उसको दी जाती है। और अब देखते हैं प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से जुड़ी खबरें। मौनी अमावस्या वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में इसका खास महत्व है, क्योंकि कुंभ में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर सभी अखाड़ों के मंडलेश्वर साधु सन्यासी और नागा साधु एक साथ शाही अंदाज में स्नान करने को निकलते हैं। आज दूसरे शाही स्नान को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं का कहना था कि ऐसा दृश्य उन्हें जल्द देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने कुंभ की व्यवस्था के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार की तारीफ। प्रयागराज कुंभ नगरी में मौनी अमावस्या स्नान के पर्व पर हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने हवाई सर्वेक्षण किया। आइए आपको दृश्य दिखाते हैं। इसमें
प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने के लिए विदेशी श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। इन विदेशी मेहमानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सुबह से ही घाटों पर स्नान के लिए लोगों का रेला लगा हुआ था। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने विशेष इंतजाम किए थे। इस शाही स्नान में विदेशी श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने यहाँ कुंभ में स्नान करने के साथ भारत दर्शन और आस्था दर्शन भी देखने को उनको मिला। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के सबसे प्रमुख स्नानों में श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई। आज मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। मेला क्षेत्र में भीड़ भाड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। कुंभ के साथ मौनी अमावस्या का होना विलक्षण संयोग है। माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने और मौन व्रत धारण करने से अनंत ऊर्जा की प्राप्ति होती चल रहा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई है और इस ठंड के मौसम में तमाम चुनौतियों और परेशानियों को मात देकर ये सभी लोग शाही स्नान में शामिल हो रहे हैं। और उधर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर भगवान कामतानाथ की परिक्रमा की। श्रद्धालुओं के आने जाने और स्नान में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 3 जोन और 12 सेक्टर में बांट दिया था। श्रद्धालु चंदन ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन मंदाकिनी नदी में स्नान का विशेष महत्व है। आज ही के दिन श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को भगवान राम ने दर्शन दिए थे। दिन यहाँ पे अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और आज के दिन ही तुलसी बाबा तुलसीदास जी को भगवान राम जी दर्शन दिए थे और भगवान राम की ये तपस्वी स्थल चित्रकूट धाम चित्रकूट सारे तीर्थ इलाहाबाद प्रयागराज जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन हमारा चित्रकूट नहीं जाता। जब वहाँ प्रयागराज जी ने पूछा कि चित्रकूट स्नान करने के लिए हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं, तो भगवान ने बोला कि मैं आपको तीर्थों का राजा बनाया था, मैंने अपने घर का राजा आपको नहीं बनाया था यहाँ पे। अयोध्या जिले में अमावस्या पर आज श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पावन सलिला सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। नागेश्वरनाथ, नगभवन, श्रीराम वल्लभाचार कुंज और हनुमानगढ़ी सहित प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य कर रहे हैं। मौनी अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या को सबसे बड़ा तीर्थ मानने वाले श्रद्धालु संगम स्नान के बाद सरयू स्नान को पुण्य अर्जन का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। कुंभ मेले में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। देखिए अयोध्या में वहाँ प्रयागराज हैं, साक्षात स्वरूप में बैठे हुए हैं, उनका एक स्वरूप होता है और ये कहा जाता है कि प्रयागराज में जो लोग जाते हैं उनके प्राश्चित वहाँ समाप्त हो जाता है और प्राश्चित जो होता है पाप जन्म जन्मांतर के वहाँ प्रयागराज के शरीर में जाकर के लग जाता है। और उधर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट पर अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गढ़मुक्तेश्वर में सुबह से ही गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर आना शुरू कर दिया। स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के साथ गढ़मुक्तेश्वर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। यहाँ हम गंगा पे बहुत ही श्रद्धालु माना जाता है। पूर्णवासी यहाँ बड़ा अच्छा मेला लगता है और गंगा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। ब्रजघाट बहुत दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। ये मौनी अमावस्या माह के महीने में आती, साल भर में आती है, बहुत बड़ी अमावस्या है। लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं नहाने के लिए। आज मौनी अमावस्या है और आज
के दिन नहाने से बहुत ज्यादा इसका बहुत ही महत्व है, बहुत पुण्य मिलता है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कहा, सरकारी एजेंसियों के बीच टकराव देश के संघीय ढांचे को करे कमजोर। पश्चिम बंगाल में सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेने के मामले पर कहा, देश में पहले कभी नहीं हुई ऐसी घटना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 3 फरवरी को कोलकाता में सीबीआई टीम के साथ जो हुआ वो लोकतंत्र की है हत्या। प्रदेश विधानसभा के 5 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने विपक्षी दलों के साथ आज की बैठक, सत्र को सुचारू रूप से चलाने का सभी दलों से किया आह्वान। और आज प्रयागराज दिव्य कुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।